गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। की जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नीलकंठेश्वर भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भैरव जी महाराज की जय। जुझार जी महाराज की जय। सती माता की जय। यजमान ललाटे तिलक मुकुरी आता हरि ही ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्रस्रवाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः सुग्रीवस्यालोके तृतीय पृष्ठे अधिरोचने दिवः यानित्यं तांच स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। सूर्यस्यारश्मिभिः तस्याजे पावितराभाते पावितराभूतस्याजगामः पुणे तच्छके यम्मा। जल पीजिए तीन तीन बार सीधे हाथ से उल्टे हाथ से और सीधे हाथ से जल्दी। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य मनसो केतनये मानायुधि मानो गोघुमानो स्वेघुरीरिखः मानवीराणुद्रभामिनो बदीरे हविमन्तः सद्विद्वाहवामहे चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेजस्समन्विते। पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूरवस्वः कुलभैरवाय नमः। ध्यानामि ध्यानार्थे सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। महाराज की जय। जुझार जी महाराज की जय। सती माता की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। दक्षिण करे ओम ऋषावान शमहिमा को जात शक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दक्षिण कक्षो ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षको श्रेष्ठो द्यौः समावर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् कण्ठे। ओम जलगुरुखेण हविखा देव जग्ञन्वाबुदनं गुरु खम्भशुम्ब नेत्रषड। ओम जतनेन जतनमयजन्त देवास्त्राणि धर्माणि प्रथमाण्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अस्त्राय भट। सर्वे पुरुषां भूषमाश्रिताः गायत्री चापि सामने नर्मदे सन्तु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु। ब्रह्माण्डोऽथ दृष्टानि करे पृष्टान्ते रवे तेन शक्ति मे देवान् तीर्थं देहि दिवाकर। हम हिरण्यगर्भः समवर्ततः अग्रे भूतस्य
सदा ओम पूर्णादरु परापन संपूर्णा पुनरापदा वस्ने विग्रीया वह एकमूर्ति गुण सदग्रतो ओम भूर्भुवः वरुणाय नमः नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि दो बार जल छोड़ो धूपम आघ्रापयामि दीपकम दर्शयामि नैवेद्यम वह ओम अन्नपदे नस्य नो दैहनवीवस्य सुक्मिनः प्रभदातारादारिगौ जन्नो देहि दिपदे चतुष्पदे चार बार जल छोड़ो उत्तराभूषणम समर्पयामि हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि मुखम प्रक्षालनम समर्पयामि सरोज वर्तनार्थे गंधम समर्पयामि पूगी फलम महद्यव्यम नागवन्धिर्दवेदम एदारिणम संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृह्यता मुखवासार्थे ताम्बूल विज्ञार्थी करो ओम आरार्थ निवार जीव गोर जहर वेदुर प्रायहामते शिवः सदा गुरुप्रेते सिद्धात्मेखम वर्तते तमः छोड़ दो पुष्प रखो ओम भूर्भुवः वरुणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि चढ़ा दो ओम तिथिर विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णु देव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत प्रारीक्षितस्य प्रतिवार्षिक रुद्रयागाख्य कर्मणि सांगता सिद्ध्यर्थम् तदुपरी दुग्ध मिश्रित जलधारां पातयेत बाकी यजमान सब हाथ जोड़कर बैठो ओमां ह्रीं क्रो मुखम किं बाहु किमूरु पादा उचेते ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः पूरु तदश्विश्वः पर्यामुशूद्रो अजायत अजायत श्रोताद्वारिषु प्राणस्य मुखादुर्नजायत रात्रा लोकापकल्पयन् यत्पुरुखेण हविता देवा यज्ञवदन्वत वसन्तोश्चासीताचं धरिग्मैत्मः सरदभिः सताशासन् परिधस्त्रिः सित समिदः कृताः देवायन् तन्दाना अवनन् पुरुखम् वनस्पतयः शान्ति विश्वेर्देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा वा शान्तिरेधि यतो यतः समी हसेत अभयं कुरु सन्नः कुरुपजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वाष्टशान्तिर्भवतु समर्पयामि हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि मुखं प्रक्षालनं समर्पयामि करोदवर्धनार्थे गन्धं समर्पय नमः सकलोपचारार्थे सर्वाणि समर्पयामि ओम वन्दे गोपादं प्रभु वन्दे शिववीरं चिनुतं शरण्यम्।
वृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाद्युतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम परारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बोले अनेन पूजनेन महाविष्णु प्रियतां नमः परशदं प्रदक्षिणीकृत्य दूयमानो धरण्यां साष्टांगं प्रणमे। मन में ऐसा भाव करो किस भारत भूमि पर इस भूलोक पर इस पृथ्वी लोक पर जितने भी ब्राह्मण देवता रहते हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। साष्टांगम प्रणमेत साष्टांग प्रणाम करते हैं ऐसा मन में भाव करें। शास्त्रकारों ने हमसे पूछा कि किम ते कार्यम हम यहाँ किस कार्य के लिए आए। तो यज्ञ करने के लिए हम आए हैं पर अपने अपने मन में जरा विचार करना कि हम वास्तविक में यज्ञ करने के काबिल हैं क्या। मन में जरा विचार करना क्योंकि मन को तो या तो स्वयं हम जानते हैं या परमात्मा जानता है इसके अलावा कोई नहीं जानता है। आप पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं एक दूसरे के मन को एक दूसरा भी नहीं जानता है और वास्तविक देखा जाए और संसार में पति और पत्नी जैसा कोई रिश्ता भी नहीं है क्या। पर वो दोनों के एक दूसरे के मन की वो भी अलग अलग है ना वो मन भी एक नहीं हुआ। तो अच्छा मन में विचार करना कि वास्तविक हम यज्ञ में बैठने के काबिल हैं क्या है? मेरे भाई बहन आज हमने पाप कर्म से हमारी आत्मा को हमारे मन को इतना काला कर लिया है शायद ही ऐसा कोई पाप बचा होगा कि कोई करना बाकी रह गया हो। तो कीमते कार्यम यज्ञ करने के लिए हम आए हैं तो यज्ञ में बैठने का अधिकारी वही है जो नित्य सत्य बोलता है। आप विचार करो आपने ऐसा कोई दिन होगा जब आपने झूठ नहीं बोला होगा। रोज झूठ बोल लेना आदमी होता कहां है बताता कहां है। तो या तो सत्य जो व्यक्ति बोलता है नित्य उसको यज्ञ में बैठने का अधिकार है। अब क्या आप यह दफ्तर बैठे लेके घर जाओगे बताओ विचार करो या फिर एक कारण एक दूसरा मार्ग बताया शास्त्रकारों ने यज्ञ में मान लो सत्य नहीं बचा हुआ तो फिर उपवास कर रहे जो उपवास करता हो व्यक्ति वो यज्ञ में बैठने का अधिकारी हो सकता है। अब अपने 6-7 बजे तो रोटी चाहिए और 3 और 4 टाइम हो जाए कभी कभी किसी किसी की आदत होती 3 बार खाने की और कई लोग तो ऐसे कि 4-5 बार भी खा लेते हैं कोई परहेज नहीं है ना। कहीं खेत पे जाना पड़े रात को कोई ज्यादा काम हो कहीं पाना तानत करना हो है ना तो रात को 2 बजे भी लगती है। तो अब ना तो सत्य बचा है ना उपवास की क्षमता रही है। देखो शरीर भी आजकल असक्त हो गया है कमजोर हो गया है कहीं ब्लड प्रेशर हो गया कहीं शुगर हो गई तो सुबह जल्दी भोजन करना पड़ता है कहीं नाश्ता पानी तो करना ही पड़ता है। तो फिर शास्त्रकारों ने हमसे एक मार्ग और बताया है
कि मान लो सत्य विधि पालन हो पाए और उपवास का भी पालन नहीं हो पाए तो गोदान करने से हमारे पाप जो है तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। तो हाथ जोड़िए सभी सभी यजमान ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमको यज्ञ में बैठना है, यज्ञ करना है, इसके अलावा भी कोई मार्ग आप हो तो आप हमको बताएं। समस्त संपत् समवाप्ति हेतवः समुत्थितापत्कुलधूम केतवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तुमां ब्राह्मण पादपांसवः शुभाग्नोज्ञां प्रेषद उज्जेह कृत पवित्रोऽहं भवेयं द्विजसप्तमे इति प्रार्थयेत। ओम सरस्वती नमः। महापापो पापाभ्यं केशलो मनखादिना कारणस्य रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य अशेष पराक्रमस्य श्रीमदनंद वीर्यस्य आदि नारायणस्य अचिंत्या परिमित शक्त्या ध्रियमाणस्य काष्ठदिग्गजोपरी प्रतिष्ठितानां तल वितल सुतल तलातल रसातल महादाल महामलयाचल सिंहाचल विंध्याचलानाम उत्तरे स्वर्ण प्रस्थ चंड प्रस्थ चांद सुक्रावंतक रमणक महारमणक पांचजन्य सिंह लंके दिए नवखन मंडिते गंगा भागीरथी गोदावरी क्षिप्रा यमुना नर्मदा तापी चंद्रभागा कावेरी वैष्णी कृष्णा भेण्या भीमरथी तुम भद्रा ताम्रवर्णी विशालाक्षी चरमणवती कौशिकी कंडिकी विश्वामित्री संभुव मध्यरेखायाग्य श्री शेर के यहाँ जो भी आपको व्यवस्थाएं मिल रही है ये सब पूर्व जन्म का पता आता है। आप जैसे यज्ञ में बैठे हैं तो ये भी आपके पुण्य का कमाल है कि आप यज्ञ में बैठे हैं, नहीं तो कोई इसे यज्ञ में कोई बैठा जा रहा है। यहाँ पर जो भी आपको व्यवस्था मिली है, रूप मिला है, विद्या मिली है, धन मिला है, परिवार मिला है, ये सब पूर्व जन्म का कमाल है। पूर्व जन्म में आपने अच्छा किया था है तो आपको अच्छा रूप मिला है, आपको अच्छा धन मिला है, आपको अच्छा परिवार मिला है, पुत्र आज्ञाकारी मिलना ये भी पूर्व जन्म की कृपा है। नहीं तो पुत्र तो हो जाए और मान लो आज्ञाकारी नहीं हो तो पुत्र हो और सेवा करने वाला नहीं हो तो पूर्व जन्म में आपने अच्छा पुण्य किया होगा तो भी तो ही यहाँ पर जाकर आपको अच्छी व्यवस्थाएं मिलेगी। तो जन्म जन्मांतर का पाप है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का पाप, हमारा पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तीसरे हमेशा ध्यान रखना, पाप करने में हमेशा ध्यान रखना, सजग रहना, पाप नहीं हो जाए इसका स्मरण दिन रात अपने को करना चाहिए। हमेशा एक ही बात ध्यान रखो कि कहीं पाप नहीं हो जाए, कहीं पाप नहीं हो जाए, क्योंकि पाप जन्म जन्मांतर तक अपना पीछा नहीं छोड़ता है। और आप कितने भी बड़े पद पर चल जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, है ना, पाप वहां आकर आपको पकड़ लेता है। दशरथ जी के पुत्र राम जी थे, है ना, दशरथ जी को भी श्राप मिला था कि किनका श्राप मिला था, श्रवण के माता पिता का, कि जैसे आज मैं अपने पुत्र के लिए जैसे मैं भी आज तड़प रहा हूं, अंत समय में भी आपको भी आपके पुत्र के लिए तड़पना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना कि पुण्य कार्य हमेशा होता रहे, पाप कभी हमसे हो नहीं। इसी जनवरी जन्मांतरेवा बाल्य बचपन में कोई पाप हमसे हो गया हो, यौवन जवानी के समय कोई पाप हो गया हो, है ना, कहीं कुदृष्टि हो गई हो, वार्धक्य अवस्था से, है ना, बुढ़ापे में कोई पाप हो गया हो, जागृत स्वप्न सुसुप्त अवस्था से सुरापान शराब पीने में आ गया हो,
हमारे सनातन में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो शराब पीना है। स्वर्ण ऐसे कई पाप करने वाले के साथ में भी रहने का काम कर दिया गया, जात से बाहर कर देते थे। अब वो सिस्टम इसमें प्रजातंत्र में समाप्त हो गया। रूप महापात का नाम स्पृष्ट स्पृष्ट, जिनका स्पर्श नहीं करना चाहिए उनका स्पर्श कर लिया हो, जैसे रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना, कुत्ते का स्पर्श नहीं करना, सर्प का स्पर्श नहीं करना, बिल्ली का स्पर्श नहीं करना, ये कर लिया हो मान। वैसे आजकल बहुत सारे लोग तो कुत्ता पालने लगे हैं, पर हमारा सनातन हमारा शास्त्र कहता है कि जिसके घर का जिस जो कुत्ते पालते हैं उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, और जो कुत्ता पालते हैं और जिनके घर में कुत्ता निवास करता है उसके घर का न तो पानी पीना चाहिए और न तो देवता लोग उसकी पूजा ग्रहण करते हैं और न कोई पितर लोग उनके यहाँ कोई ग्रहण करे, है ना। पितृ भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और भगवान भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। ब्राह्मण का कभी अपमान कर दिया हो, माता पिता का कहीं अपमान किया हो, गुरुदेव का अपमान किया हो, बड़े भाई का अपमान किया हो, कोई अपने पे उपकार कर दे तो उसको कभी भूलना नहीं। और किसी ने तो बहुत सुंदर कहा कि कोई एक बार अपने पे उपकार करे और जिसके बाद अगर 100 बार भी कोई उपकार कर दे तो भी कभी उसको भूलना नहीं चाहिए। और आजकल ऐसा हो गया कि भाई जब अपना स्वार्थ हो जब चले जाते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति हो जाती तो लोग भूल जाते हैं। जैसे कि नेता लोग वोट के समय देव ब्राह्मण सवित्री सूर्य नारायण सन्निधो 10 विधि स्नान वहन करी से छोड़ दो। जल डालो आसन के नीचे, नेत्र से लगाओ और अच्छा स्नान करके आओ। साबुन आबुन नहीं लगाना। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम ओम ऋषिवे नमः। ओम इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधानी इदम विष्णुवे नमः। ओम भगवान की जय, वेरुजी महाराज की जय, जुजार जी महाराज की जय। देखिए ये प्रतिवार्षिक यज्ञ जो अपन कुल देवता के निमित्त कर रहे हैं तो आप बड़े सौभाग्य हैं कि आपको यहाँ पर कुल देवताओं ने आपका चयन किया, आप बैठने के लिए यज्ञ में बैठ रहे हैं तो आप बड़े सौभाग्य हैं। यज्ञ में बैठने के लिए परमात्मा की अनंत कृपा बहुत आवश्यक है। ये मान लीजिए कि परमात्मा ने ही आपको चयन किया है, ऐसा भाग्य है आपका। इस कुल में बहुत सारे लोग थे, है ना, आपसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग भी होंगे, अपार पैसे वाले, अपार धन दौलत वाले, अपार ऐश्वर्य वाले, मान सम्मान वाले, उच्च पद वाले लोग भी आपके कुल में होंगे, परंतु आपके कुल के देवता हैं जो उन्होंने आपका चयन किया है। तो वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं और बड़े सौभाग्य हैं। और इतना विश्वास जरूर रखना कि परमात्मा ने आपको यह अवसर दिया है तो आपका हृदय अच्छा होगा, आपका हृदय निर्मल होगा, आप पापों से मुक्त होंगे, तब जाकर आप यहां पर बैठने के भागी बने।
तो ये पांच दिन जो परमात्मा ने हमको दिया है, माने कि ये तीर्थ में हम बैठे हुए हैं, इसको तीर्थ मान लिया जाए। यूं तो बहुत अपन अनर्गल बातें भी करते रहते हैं, समय मिलता नहीं है अपने को, आजकल सब लोग व्यस्त हैं। तो ये पांच दिन केवल आप परमात्मा को दे देना, और मेरा विश्वास है कि ये पांच दिन में परमात्मा आपको बड़ा आनंद देगा, और अंत में जब समय आएगा तो परमात्मा अपने निकट आपको रखने के लिए तैयार हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। तो पांच दिन में जैसे कि जितना समय मिले ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना। यज्ञ साधारण कर्म नहीं है, जहां पर यज्ञ होता है सारे तीर्थ भी वहां पर विद्यमान रहते हैं, सभी देवता लोग भी वहां पर विद्यमान रहते हैं, सभी जितनी पवित्र नदियां हैं वो भी वहां पर विद्यमान रहती है, जितने भी ऋषि मुनि हैं वो भी वहां पर विद्यमान रहते हैं। तो यज्ञ बहुत पवित्र कर्म है, और यज्ञ में जो स्तंभ लगे हुए हैं, है ना, जो शाखाएं लगी हुई है, जो ध्वजा लगी हुई है, जो पताका लगी हुई है, और उसी में उसमें सब में देवता विराजमान हैं। तो यज्ञ की ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा करें। हरि ही रोमा स्वस्ति नाइन्द्रो वृद्ध श्रवा स्वस्ति नूखा विश्व स्वस्ति रक्ष हरिशने स्वस्ति नो बृहदोतम बदने भीरण क्षेम देवा बुद्रे ब्रह ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम गोविंदाय नमः हस्तौ दीर्घ मानो भीरणो वजे हनुमंत हवामहे चिद्रुविणी महामाय पुरंदराभ्याम नमः। हम इंद्र और इंद्राणी को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा मन में भाव रखे। सचिव पुरंदराभ्याम नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इस पृथ्वी पर जितने भी देव स्थान है हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। इस भूलोक पर जितने भी तीर्थ हैं हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। गंगा जी नदीभ्यो नमः। सबसे बड़ा अगर कोई तीर्थ है तो वो माता पिता है, सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो वो माता पिता है, सबसे बड़ा अगर कोई देवता है तो वो माता पिता है। और एक बात ध्यान रखना बंधुओं, आप कितनी भी कथा सुन लो, कितनी भी यज्ञ कर लो, कितनी भी कथाएं सुनो, कितने भी यज्ञ करो, कितने ही तीर्थ कर लो, कितना ही कितनी बार गंगा में स्नान कर लो, और अगर आप माता पिता में अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, माता पिता की अगर आप भक्ति नहीं करते हैं, माता पिता की अगर सेवा नहीं करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो देवता तो क्या भगवान भी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। ये पूजा जब स्वीकार होगी जब आप माता पिता के भक्त होंगे। भगवान तो बहुत बात की बात है साहब, जो साक्षात भगवान है वो तो हमारे घर में विराजमान रहते हैं। अच्छा एक बात विचार करो कि मंदिर में आप इतनी बार गए
कभी आशीर्वाद आपको मिला भगवान का, और माता पिता को प्रणाम करके देखना, नित्य आपको आशीर्वाद मिलेगा कि जाओ खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। और माता पिता का आशीर्वाद कभी निरर्थक नहीं जाता है ना। तो सबसे पहले तो माता पिता को खुश करने की आवश्यकता है। आज व्यक्ति माता पिता से तो बहुत गलत बोलता है, और मां एक लोटा जल समस्या का हल। मेरे भाई बहन एक लोटा क्या सारा समुद्र चढ़ा दो। माँ बाप अगर खुश नहीं है तो एक लोटा जल क्या एक बूंद स्वीकार नहीं कर सकता होगा। मेरा महादेव ऐसे ही स्वीकार कर लेगा क्या? या तो आप कड़क बोल के जाते हो और वहां एक लोटा जल एक लोटे के ऊपर लोटा लेके जाते हो, है ना? ऐसा मत करो, पहले माता पिता को प्रसन्न करो। और मैं तो कहता हूं कि जो माता पिता का भक्त है, ना तो कथा सुनने की जरूरत है, ना कोई यज्ञ करने की जरूरत है, ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना कोई लोटा जल चढ़ाने की जरूरत है। यूं ही प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। और यहां तो लोटे के ऊपर लोटा लेके जा रहे हैं और माता पिता बिचारे परेशान हो रहे हैं, है ना? केवल माता पिता। और शास्त्रों में तो कहा गया कि जब तक माता पिता विद्यमान है, तीर्थ नहीं गए तो कोई बात नहीं, कथा नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, मंदिर नहीं गए तो कोई बात नहीं, माला नहीं घुमाई तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम भी नहीं लिया तो कोई बात नहीं, यही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, है ना? तो सबसे पहले माता पिता को प्रसन्न करो। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो माता पिता परेशान है। एक मीटिंग हुई गौशाला की मीटिंग, सब वरिष्ठ लोग आए, सम्माननीय लोग आए, पैसे वाले लोग आए, ऐश्वर्यवान लोग आए, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए। और मीटिंग इस बात की थी कि भैया हमारे यहां गौशाला नहीं है तो गौशाला होना चाहिए। तो आप कितना देंगे, आप कितना देंगे, आपकी तरफ से कितना, आपकी तरफ से कितना, आपकी तरफ से कितना, सबने अपने अपने पक्ष रखा। भाई गौशाला कैसी होना चाहिए, तो बोले कि इतने होना चाहिए, उसके लिए इतनी व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए गौशाला की जगह हो, उसके साथ भूमि भी हो, ताकि है ना हरा चारा भी गौशाला में मिलता रहे, है ना? ऐसे अपन रामदाता तैयार करें कि जो खल देता रहे और कोई गेहूं दे, ताकि उनको मंथली ये सब व्यवस्थाएं बनी रहे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ साथ, बहुत सुंदर उसका वक्तव्य था। उसने कहा कि मैं गौशाला के पक्ष में नहीं। थोड़ी देर तो सब चौंक गए कि वास्तव में कैसी बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि भैया ये गौ सेवा तो हो जाएगी, मेरा तो केवल आप लोगों से इतना निवेदन है कि गौ तो गाय तो कैसे भी पल जाएगी, ये जो माँ बाप दुखी है ना केवल इनको पालने की व्यवस्था कर लो, है ना? माँ बाप तो पल नहीं रहे और यहाँ गौशाला खोलने की बात कर रहे हो आप। तो बस जीवन में एक बात याद रखना कि माँ बाप के आंसू अपनी कारण गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये एक आंसू ऐसी तबाही लाएगा कि जीवन बर्बाद कर देगा। बोलिए एक नारायण भगवान की जय। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ऐसे नियम बना देना कि रोज माता पिता को प्रणाम करना और फिर लोटा लेके जल चढ़ाने के लिए जाना, तो महादेव आनंद ही आनंद आपको कर देगा। दुर्गणाध्यक्षो जैसे कि विवाह होता है तो उसके विवाह के बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि माता पूजन है, माता पूजन भी होता है, और उकेड़ी पूजन है तो बाले बिठाना है, तो हल्दी लगाना है, अरे तो वो वर निकासी है, और इसके बाद फिर मंडप है, वर निकासी है, और इसके बाद विवाह होता है। और आजकल ये क्या हुआ कि सारे समाप्त हो गए,
ना कोई मंडप होता है, ना कोई जैसे मान लो ना कोई मंडप है, ना कोई ओकेड़ी पूजा है, ना कोई माता पूजन है, ना कोई नवल निकासी है, डायरेक्ट शुभ विवाह है ना। तो ऐसा कैसे यज्ञ में भी ऐसा ही हो गया, केवल स्वाहा हो गया है ना। मंत्र बोलते जाते स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और आपको भी वो बढ़िया लगता है। जैसे कानन वाले यज्ञ करें तो कम से कम 11:30, 11:45 बज जाती है यहाँ स्वाहा चालू होने में। तो बहुत सारे लोग ऐसा विचार करते हैं कि 12 बजे भी आना कभी हवन करेगा ये ना कहीं भी, देखो अपने भी बाप जी 9 बजे स्वाहा चालू कर दे तो वो उकेड़ी खत्म हो गया, बाने बिठाना खत्म हो गया है ना, मंडप खत्म हो गया है, वर निकासी खत्म हो गया है, उगलाना खत्म हो गया है, ये सारा चीज खत्म करके ये। और सब विधि यज्ञ हो तो आनंद आता है मेरे भाई। आजकल यज्ञ में विधि लोप होने लग गई है और विधि लोप का प्रायश्चित आचार्य को भी भुगतना पड़ता है और यजमान को भी भुगतना पड़ता है, गांव वाले को भी भुगतना पड़ता है, दान देने वाले को भी भुगतना पड़ता है, दर्शनार्थी को भी भुगतना पड़ता है, जो दर्शन करता है उसको भी भुगतना पड़ता है। आजकल सब विधि लोप हो गया है। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी और मन में बड़ी गलानी होती है कि कैसे क्या होता होगा है ना। तो विधि लोप आजकल बहुत होने लग गया है। देखो भगवान का कार्य तो ऐसा है, अपन ऐसे कोई समझाने में ऐसे ही समझाने समझा कर चले जाते हैं कि भगवान बहुत सरल है। भगवान सरल नहीं है, साफ सरल है तो है ही, पर जैसे कि भगवान का कार्य क्या है, उनने तो आपको जन्म दे दिया है, आपके हाथ में कर्म दे दिया है उन्होंने। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अग्नि का कार्य है, जान कर अगर उसमें हाथ लगाओ तो भी जलाना है और अनजान होकर लगाओ तो भी जलाना है। तो इसलिए विधि का लोप नहीं होना चाहिए। श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति अर्थम वाम पादेन भूमि ताड़येत। एक बिलपत्र तोड़े चला, एक बिलपत्र तोड़े, क्योंकि वो तो हिरण को देख रहा था ना, कोई शिव भक्ति है ना, कोई शिव को उसने देखा ना, कोई बिलपत्र चढ़ाएंगे इससे क्या होगा वो भी कोई मन में भाव नहीं है ना, उसको ये भी भान नहीं कि बिलपत्र के ऊपर बैठा हुआ, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो तो केवल वहां हिरण में लगा हुआ है। बस तोड़े और चढ़ावे, तोड़े और चढ़ावे, तोड़े और चढ़ावे। और एक समय ऐसा आया, क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि थी, सब लोग तो कितना मालूम थे, सब सोए हुए थे, केवल वो शिकारी जा रहा था और उसकी पूजा से वो बिलपत्र चढ़ाने से ऐसे भगवान प्रसन्न हो गए। साक्षात महादेव प्रसन्न होकर उसके सन्मुख आ गए, बोल तेरे को क्या चाहिए है ना, जो चाहिए वो वरदान मांग ले। तो भगवान की भक्ति तो ऐसी, अगर सही हो जाए तो उसी क्षण आपको लाभ मिल जाए। ओम ह्रीं हिरण्यवर्णाभरणीं सुवर्णरजतस्त्रयां जद्रां हिरण्मयीलक्ष्मीं जातवेदो मापतां मापजातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं नाम शुभपुरुषाणाम् अश्वपूर्वां प्रथमध्यामसेनादः प्रबोधिनीं श्रीमदीनमक्षीं जातवेदो मापतां मापजातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोद् अश्वस्वामिन्देयं पुरुषाणाम् यस्मिन्द्रे गोभूद्वाजुह्यादजमन्वहं चुक्तं पञ्चदर्शन च श्रीकामासक्तं जभेद ॐ द्यौः शान्तिरन्तर्च आभरणार्दीक्षितान् समर्पयामि। कोण्डलो नयनविशालो कोण्डल जलकन्दा प्रभु कोण्डल जलकन्दा कुम कुम केशर चन्दन कुम कुम केशर चन्दन सिन्दूर ॐ जय गौरी नन्दा।
नित्याय लंबोदराय सकलाय जगत निदाय नागान रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय कलि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते। मोघदयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा च स्मेरणोति ब्राह्मणस्य मूराजिन् न पारयामसि शाखाध्याये गणेश दत्त जी शास्त्रिणः पुत्रं शुक्ल यजुर्वेदामनाय वाजी माध्यन्दिनी शाखाध्याये गोपाल कृष्ण जी आशुतोष जी शर्माणं ब्राह्मणं अश्विन कर्मणः आचार्यत्वेन त्वाम् अहम् वृणे वृतोऽस्मि प्रतिवचनम् वः ओमृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् वः दक्षिणासन्दामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। त्रिगुरुरान्वितम् शुक्लयजुर्वेदाम्नाय वाजी मध्यन्दिनी शाखाध्याय नितिन जी सर्वानं ब्राह्मणं अस्मिन् कर्मांगत्वेन ब्रह्मत्वेन त्वाम् अहम् वृणे वृतोऽस्मि प्रतिवचनम् ॐ वृदेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति। ॐ भूर्भुवः पृथ्वी कुर्मनन्त वराह देवताभ्यो नमः। वराह देवताभ्यो नमः। यज्ञो वैदं दोपाजं खलो वस्त्रान् यज्ञो वैदं देहाश्मनीयम् वः नारायण नारायण श्रीमन् नारायण।